तो दोस्तों इस वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट करेंगे सोनी एक्सपेरिया R1 का। तो ये R1 Plus नहीं है, सिर्फ R1 है। तो 2 GB, तो इसके साथ आपको मिलता है 2 GB RAM और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज। इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 430 है, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। तो हम पहले कुछ छोटे छोटे गेम्स खेलेंगे, उसके बाद हम ज़्यादा बड़े गेम्स को जाएंगे, जो ग्राफिक इंटेंसिव गेम है उनको हम खेलेंगे। तो ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक स्पेसिफिकेशंस इसके जो स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम सबसे पहले आप मार्क कीजिए कि जो बैटरी है, मैंने इसको पूरा फुल चार्ज कर दिया है, तो 99% बैटरी है। तो हम पहले कुछ छोटा गेम खेलेंगे। तो मैं सबसे पहले सबवे सर्फर टेस्ट करता हूँ। तो वहाँ पर थोड़ा लैग हुआ। तो दोस्तों मैं इस गेम को जल्दी से बंद कर लेता हूँ, क्योंकि आपने जैसे कि देखा ये गेम बहुत स्मूथ गेम प्ले दे रहा है। तो मैं जल्दी से टेम्पल रन खेलता हूँ। तो ये गेम ये काफ़ी स्मूथली खेल पा रहा है। मैं जल्दी से और एक कोई गेम टेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते थे कि कितना अच्छे से प्ले कर रहा था टेम्पल रन 2 को। तो हम जल्दी से फ्रूट निंजा अभी खेलते हैं। तो मैं पिछले 15 या 20 मिनट से गेम खेल रहा हूँ और ये डिवाइस काफ़ी अभी इतना वार्म नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे नोटिस कर सकता हूँ थोड़ा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं, तो जो कि एक बड़ा गेम भी नहीं है।
तो थोड़ा चौपी गेम प्ले हो रहा है। तो सरप्राइजिंगली यहाँ पे लैग हो रही है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा लैग हो रहा है। तो मैं इसे जल्दी से और एक बार ट्राई कर लेता हूँ। तो अभी मैं थोड़ा वार्म फील कर रहा हूँ कैमरे के पास। तो मैं जल्दी से ये गेम से निकल जाता हूँ। तो आप देख रहे थे फ्रूट निंजा, जो कि थोड़ा लैग कर रहा है और इतना अच्छा गेम प्ले हमें नहीं दे रहा है, इतना स्मूथ गेम प्ले नहीं दे रहा है, तो थोड़ा FPS ड्रॉप हो रहा है उसमें। तो हम जल्दी से अभी डेड ट्रिगर 2 खेलते हैं। तो यानी कि छोटा गेम अभी ख़त्म, तो हम थोड़ा मीडियम रेंज का भी गेम खेलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ इसका सेटिंग्स। तो आप देख सकते हैं ग्राफिक डिटेल्स मैंने हाई पे रखा हुआ है। तो ये काफ़ी स्मूथली प्ले कर रहा है ये गेम। तो हम थोड़ा आगे जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सारे डिटेल बहुत अच्छे से डिस्प्ले कर रहा है। तो दोस्तों पहला मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा कि ये बहुत स्मूथ चला रहा है इस गेम को, तो कुछ FPS ड्रॉप नहीं हो रहा है, तो बहुत अच्छे से हम खेल पा रहे हैं इस गेम को। तो आप देख रहे हैं कि सारे डिटेल्स जो है, जो स्मोक का इफेक्ट है वो कितने अच्छे से आ रहा है। Glad to see you here. Great.
तो दोस्तों ये गेम खेलने से पहले मैं बहुत जल्दी से इसका टेम्परेचर चेक कर देता हूँ। ये मुझे थोड़ा सा भी वार्म लग रहा है पीछे, तो आप देख सकते हैं जो रूम टेम्परेचर है वो 23 है अभी। तो मैं जल्दी से पीछे इसका टेम्परेचर चेक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं 33-34 तक आ रहा है कैमरे के पास। तो बैटरी के पास आपको आ रहा है 32-31, और कैमरे के पास आपको 34 आ रहा है। और स्क्रीन में, तो स्क्रीन में जो ईयर पीस के पास आपको 33-34 तक आ जा रहा है। तो हम जल्दी से इसको खेलते हैं। तो ये गेम ये काफी स्मूथली खेल रहा है। तो जो पहला इंट्रो लेवल था वो कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी स्मूथ गेम प्ले रहा था। तो कंटिन्यू करते हैं। तो काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये गेम। तो मैं जल्दी इस गेम से निकल जाता हूँ, कुछ और गेम ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट हम ट्राई करने वाले हैं नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स। दोस्तों ये गेम प्ले जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
तो जो पहले इंट्रो रहेगा बहुत स्मूथली ये प्ले कर रहा है, कुछ FPS ड्रॉप भी नहीं है, कहीं पे लैग भी नहीं हो रहा है और हर डिटेल्स जो है ये पूरे ठीक से डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी तक जितना मैंने गेम खेला है ये बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस है। जज करते हुए इसके प्राइस को, इन टर्म्स ऑफ प्राइस इसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों ये था नीड फॉर स्पीड नो लिमिट्स का गेम प्ले। तो मैं जल्दी से इस गेम से निकल जाता हूँ और फाइनली हम खेलेंगे एस्फॉल्ट 8। तो दोस्तों इस वीडियो में हम गेमिंग टेस्ट करेंगे सोनी एक्सपेरिया R1 का। तो ये R1 प्लस नहीं है, सिर्फ R1 है। तो 2 GB, तो इसके साथ आपको मिलता है 2 GB रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज। इसका जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 430 है, जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। तो हम पहले कुछ छोटे छोटे गेम्स खेलेंगे, उसके बाद हम ज़्यादा बड़े गेम्स को जाएंगे, जो ग्राफिक इंटेंसिव गेम है उनको हम खेलेंगे। तो ये टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक स्पेसिफिकेशंस, इसके जो स्पेसिफिकेशंस मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम सबसे पहले आप मार्क कीजिए कि जो बैटरी है, मैंने इसको पूरा फुल चार्ज कर दिया है, तो 99% बैटरी है। तो हम पहले कुछ छोटा गेम खेलेंगे। तो मैं सबसे पहले सबवे सर्फर टेस्ट करता हूँ। वहाँ पर थोड़ा लैग हुआ। सेटिंग में तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हाई में है, इसका जो विजुअल क्वालिटी है वो हाई में है। और मैं इसका कंट्रोल्स को चेंज कर देता हूँ, ऑन स्क्रीन कंट्रोल्स रख देता हूँ मैं। और बहुत ही स्मूथ गेम प्ले हो रहा है। तो मैं, आप देख सकते हैं जो ड्रिफ्ट भी बहुत अच्छे से हो रहा है, तो कुछ भी लैग या FPS ड्रॉप कहीं पे भी नहीं है।
तो स्मोक इफेक्ट भी आप देख सकते हैं, जो लेंस फ्लेयर है उसको भी देख सकते हैं, तो बहुत डिटेल ही सब दिखा रहा है। मैं यहाँ पे कुछ भी लैग देख नहीं पा रहा हूँ, बहुत स्मूथली ये गेम प्ले हो रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि मैंने विजुअल क्वालिटी जो है वो हाई में रखा है। तो दोस्तों ये लेवल जो है ये बहुत अच्छे से प्ले कर रहा है। तो मैंने 2 लैप्स कंप्लीट कर लिए हैं और मुझे एक भी फ्रेम ड्रॉप या कुछ भी लैग कुछ भी अभी तक फील नहीं हुआ है, कि चॉपी गेम प्ले भी नहीं हो रहा है, बहुत स्मूथ गेम प्ले है। तो ये जो रेस है वो कंप्लीट भी हो चुका है, तो मैं जल्दी से और एक नया लेवल देखता हूँ खेल के। तो मैं अभी टोक्यो लेवल खेलूंगा। तो ये लेवल भी काफी स्मूथली चल रहा है काफी। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये प्ले हो रहा है। आप देख सकते हैं जो टनल के अंदर कितने अच्छे से ये डिटेल सब आ रहा है।
तो दोस्तों ये था टोक्यो लेवल एस्पर्ट 8 का, ये बहुत स्मूथली प्ले किया है। मैं जल्दी से इस गेम से निकल जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम स्टार्ट किए थे 99% था बैटरी, तो अभी जो बैटरी है वो 85% है। तो मैं लगातार 45 मिनट या 1 घंटे से गेम खेल रहा हूँ। तो मैं जल्दी से इसके जो देख लेता हूँ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हमें कैमरे के पास जो है 36 डिग्रीज है, तो जो कि काफ़ी अच्छे टेम्परेचर है। और स्क्रीन की तरफ भी आप देख सकते हैं 36 है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि क्या एक्सपीरिया R1 गेम क्या खेल सकता है, बड़े गेम्स छोटे गेम्स, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल खेल सकता है और बहुत अच्छे से खेल सकता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।